हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू प्रेमा वर्ल्ड। हम लोग इस वीडियो में यूपीएससी सीएपीएफ एसी का जो अभी टुडे एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेट सोर्सेज और आंसर की देखने के बाद हम लोग इस एनालिसिस पहुंचे हैं कि कट ऑफ जो है 120 से ज़्यादा जनरल करने जाएगी अकॉर्डिंग टू और कैटेगरी का आप लोग मिला सकते हैं। तो 120 अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो अच्छा मार्क्स है, और पेपर टू में अगर आपने 180 के आसपास अटेम्प्ट किया है तो उसमें 80 या 19 मार्क्स आ रहे हैं तो वेरी गुड स्कोर। और इस वीडियो में हम लोग इसका आंसर की एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि यह ऑथेंटिक आंसर की है, बहुत सारा इंटरनेट सोर्सेज बुक्स और आंसर की रिफर करने के बाद बनाया गया है। तो यह सी सेट है और इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो यहाँ से आप हिंदी वाला सेक्शन और यहाँ से इंग्लिश वाला सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स कौन सा है ओल्डेस्ट, तो यह आसाम राइफल्स है। यहाँ पे है कि एजेंसी हाउसेस के बारे में क्वेश्चन था, तो इसका आंसर जो है आपका डी है। और इसमें अभी डाउट भी है लेकिन इसको आप लोग देख सकते हैं, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो कपियम के बारे में है, तो ये पाणिनीय ने लिखा है या नॉट करेक्ट पूछा, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है प्रिंसली स्टेट के बारे में, नॉट करेक्ट बताना है तो डी आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगर आगे देखते हैं तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा था, तो रत्नावली ने लिखा था, बहुत लोग हर्षचरित लिख दिए, इसको वन वर्ड लिखा है, आंसर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन किंग ऑफ डांस किसको बोलते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, तो किंग ऑफ डांस जो है ब्रोनी नटराज ऑफ चोला को बोलते हैं, ऑप्शन डी। और आना सागर लिखा है, मैंने तो एग्जाम हॉल में कर्नाटक लगा दिया साउथ के नाम से, बट ये राजस्थान में इसका आंसर सी होगा। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, आपने कितना अटेम्प्ट किया, कितना निगेटिव हो रहे हैं इसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन एट नंबर देखते हैं, इसमें वेटलैंड डे को मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाते हैं। गंगा वाटर जो है फाका को किस देश के साथ साझा किया जाता है, तो बांग्लादेश के साथ किया जाता है। दक्कन प्लेटू में कौन आता है, कार्बी आंगलोंग, मैंने इसमें शिवालिक लगा दिया था, वो आंसर गलत है, इसका कार्बी आंगलोंग आंसर होगा। और नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चन है, झूम कल्टिवेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा नागालैंड में होता है लेकिन उसके बाद मणिपुर में होता है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिवेही जो है एक लैंग्वेज का यूज होता है, तो लक्षद्वीप में होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन याद है तो बना सकते हैं, और नहीं स्कूल लिप करने वाला क्वेश्चन था। यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपको फैक्चुअल नहीं याद है तो उसको छोड़ना है, लिप करना रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चन तो डाउट रहते हैं जो कोचिंग वाले गेम्स नहीं बता पाते हैं, तो ऑफिसियल आंसर के आने के बाद ही हम लोग देखेंगे। सोर्सेज और लेख कौन कौन कहाँ, लॉ इंडिया में कानून बनाने के लिए कौन बनाते हैं, कस्टम भी लोग मैंने इलिमिनेट किया था क्योंकि सभी लॉ बट उसको लॉ बनाने में भी करते हैं, लेकिन इसमें यूपीएससी का क्या आंसर आता है उसको देखा जाएगा, बट इसमें मेरे अनुसार 1-2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में है, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में है, तो इसमें बोला है कि मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा, ये गलत है, 15 मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर्स राज्यसभा से, लेस नंबर ऑफ राज्यसभा से मेंबर होते हैं, और ये सेकंड ऑप्शन सही है तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नॉट करेक्ट बताना है, तो इसका आंसर सी और डी में कन्फ्यूजन है, बट आई थिंक ये सी होना चाहिए। और अमृत मिशन के बारे में ये सी आंसर होगा, यहाँ पे नॉन फंजिबल टोकन से क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड डिजिटल एसेट, और यहाँ पे सेक्रेटेरिया से क्या है, ब्लैक होल का सुपरनोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में 13, ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है बट इसमें बी ओ डी में आंसर होगा, तो इसको हम लोग अभी डाउटफुल बनाने देते हैं, मैक्सिमम चांस है कि इसका बी होना चाहिए। 21st क्वेश्चन जो है कॉमन बट डिफ्रेंशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के बारे में है, तो ग्रीन गैस हाउस से रिलेटेड है, और ये बैड बैंक क्या होता है, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, या बहुत लोग सी भी ऑप्शन दे रहे हैं बट ये होना चाहिए। यहाँ पे नॉट फीचर ऑफ पेंटिंग इन इंडिया, तो इसका मैक्सिमम लोग आंसर जो है सी दे रहे हैं। अगरतला होगा जो कि लोग इस पॉलिसी में नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है वो बांग्लादेश से जुड़ा जाएगा, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में है तो उसको जो है गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं हम लोग, सिस्टर निवेदिता ने क्या कहा था, तो भारत माता जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था उसको उन्होंने पेश किया था, और यहाँ पर ऑपरेशन संकल्प इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, और ये नॉट ट्रू बताना है टाइगर वेलफेयर के बारे में, तो इसका आंसर डी होना चाहिए मैक्सिमम सोर्सेज के अनुसार, नॉट करेक्ट बताना है तो यहाँ पे ये सी होगा आंसर। और बैटल ऑफ राक्षी तांगड़ी किसको बोलते हैं, बैटल ऑफ तारीखा को बोलते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन है, अशोका इंस्टीट्यूशन जो अफगानिस्तान में मिला है और ग्रीक लैंग्वेज में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 32 देते हैं, 32 का नॉट करेक्ट बताना है, तो इसका आंसर मैक्सिमम लोग बी दे रहे हैं, और 33 का आंसर बी होगा, या आप डायरेक्टली बहुत सारे बुक में मिल सकता है, ये ओल्डेस्ट नेम है रिवर्स का। और यहाँ पे 1964 में कोटारी कमीशन बना था एजुकेशन के लिए, और नॉट करेक्ट बताना है तो ये आंसर डी होगा, क्योंकि कैलिफोर्निया करेंट कोल्ड है, कैलिफोर्निया सी से कोल्ड। और यहाँ पे 36 नंबर मैप्स के बारे में है, तो यह मैप्स जो है रूट तो बताया नहीं, तो यह ऑप्शन क्या नॉट लिखा था गलत होगा, तो इसका आंसर सी होना चाहिए।
37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं ग्रेट सर्किल के बारे में है, यूरोपीय कंसेप्चुअल क्वेश्चन, इसका आंसर आई थिंक सी होना चाहिए क्योंकि यहाँ लॉन्गेस्ट लिखा है जो कि शॉर्टेस्ट होता है। नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में है, तो टेम्परेचर जो है घटते जाता है, एल्टीट्यूड में बढ़ेगा, तो यहाँ पर मानस रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र की, डी ऑप्शन। और यहाँ पे डी सी वाला केस बिहार का टू रिफॉर्मुलेट ऑर्डिनेंस के लिए है, हमने यह बीपीएससी में जरूर पढ़ा था दोस्तों। यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड जो है मिक्स रिलेटेड है, वाइट रिवोल्यूशन से। और यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया जो है सी एस टी वीमेन में इंटरप्रेनरशिप डेवलप करने के लिए है। हिंदी में क्वेश्चन देख सकते हैं जो हिंदी में वाले हैं। यहाँ से 43 नंबर क्वेश्चन, नॉट ए फीचर ऑफ इंडिया फेडरेशन बोला है, तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बहुत सारे सोर्सेज में है, बहुत लोग भी बोल रहे हैं लेकिन यही होना चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन में है कि मालवा, इसको ये क्वेश्चन डाउटफुल है बट इसका आंसर आई थिंक सी या डी में से कोई होना चाहिए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि ये भारत से स्टार्ट कब लॉन्च किया गया था, 2014 दिया है तो या फैक्चुअल डाटा दिया है तो उसको कट कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक से बना सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें मिराज सिंगल होता है तो यह गलत हो गया, रफाल जो है सुपरसोनिक गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में देखते हैं कि फाल्कन 9 स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था और KV-47M2 जो है किंजल मिसाइल वो रशिया का है। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं मारुपोई सिटी जो है रशिया फौज में है, यह मैप और कनेक्ट का क्वेश्चन है, यूरोपियन बेस्ड। और यहाँ पे CPM किसके साथ साइन किया है, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साइन किया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्या वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को हम लोग प्रोटेस्ट करना फेल हो गए, हम लोग प्रोटेस्ट तो किए थे बट प्रोटेस्ट करना फेल थोड़ा ना हुआ, तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और यहाँ पे शायद आवन को लॉ मेंबर नहीं होना चाहिए, पेस लॉ मेंबर के अकॉर्डिंग था, ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है बस इसका, बट इसका आंसर आई थिंक ये भी होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। और यहाँ पे ऑप्शन इंटरनेशनल बाउंड्री जिसका नहीं है तो बी होगा, क्योंकि आंध्रा जो है मेरीटाइम कोस्टल बाउंड्री से लगता है। 44 नंबर क्वेश्चन जो है ए होगा, आपको सजाना है वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55 नंबर है, यह जेट स्टीम स्टडी नहीं होता है, स्टडी होता है, मैंने नेक्स्ट आंसर एग्जामिनेशन हॉल में गलत किया था, रिकॉल करने में प्रॉब्लम होता है, इसका आंसर भी होगा। प्लेज एक्सपीरियंट मैं क्या फील करता हूँ आप बता सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर भी होना चाहिए, भारत राय यूरोपी का क्वेश्चन है। और यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करता है, डिमांड डिपोजिट को जो है नहीं लेता है। स्वर्ण सिंह कमेटी का आंसर फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए आया था, इस इन्वेस्टमेंट जो से जो रेवेन्यू आता है प्रोसीड वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। और GST जो है डेस्टिनेशन बेस्ड तो है बट कंजप्शन टैक्स है, यहाँ पे दो ऑप्शन तो आप ओरिजिन बेस्ड इलिमिनेट कर सकते थे बट दो में कन्फ्यूजन था, लेकिन एक कंजप्शन बेस्ड है। 64 नंबर क्वेश्चन में बीर से रिकवरी के इकोनॉमिक सर्वे में लोगों ने देखा था, SDG के बारे में है, तो यह फास्ट रन कर नहीं आता है। और यहाँ पे राजा मानसिंह तोमर और तानसेन के बीच में कन्फ्यूजन है बट मैंने तानसेन लगाया था, आपने क्या लगाया वो कमेंट सेक्शन में बताया, बहुत लोग आंसर जो है मानसिंह बता रहे हैं इसका। और यहाँ पे इसका आंसर अदर साइड ऑफ साइलेंस का उर्वशी भुटालिया है। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आई थिंक कानपुर होना चाहिए, कुछ लोग बनारस बोल रहे हैं। और ये तो फाइनल आंसर की यूपीएससी के आने के बाद नहीं पता चलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन वेरी कर जाता है। फर्स्ट अटैम्प्ट 1872 में हुआ था और रेगुलर 1871 में हुआ है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पोल मेजर रिपोर्ट्स नहीं है, तो जो काटना था फैक्चुअल क्वेश्चन एलिमिनेशन से क्वेश्चन बन जाता, तो ये डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ये होगा, मैच मिला कर देख सकते हैं दोस्तों, सोलिफ्लक्शन क्या होता है, परमाफर्स्ट टोपोग्राफी का है। 70 नंबर क्वेश्चन में ये लोअर क्रिटेशियस होना चाहिए, कुछ लोग अपर भी बोल रहे हैं बट यही आंसर होना चाहिए। बॉर्डर रोज ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, तो ये सी आंसर होना चाहिए। और ये बेलारूस जो है नाटो का मेंबर नहीं आता है, मैंने इसको गलती से टर्की लगा दिया था, क्या आपका मिस्टेक हुआ कमेंट जरूर बताएं। ये इसका आंसर डी होगा क्योंकि ये दोनों आंसर जो है गलत है, बांग्लादेश शायद USA शायद हम लोग का ट्रेनिंग आना चाहिए। और चेयरपर्सन मेंबर्स का 3 साल अभी NHRC का है, ये अमेंडमेंट ओके हो चुका है, मिस्टेक है, ये बी नंबर आंसर होगा, मेंबर कंट्रीज। और 76 का जो है शॉर्ट सर्किट में शार्पली इंक्रीज कर जाता है करंट, और इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी 4 होगा। और यहाँ पे सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, प्योर एमपी और काइनेटिक एनर्जी P² में होता है। एसिड और बेस के साथ जो रिएक्ट करते हैं उसको एम्फोटेरी बोलते हैं, L2-3ZN होता है, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पे बेकिंग सोडा को मिलाने के बाद ब्लड जो है स्पंज हो जाता है, तो वह CO2 के कारण होता है। यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल से दोस्तों बना सकते हैं 28 ईयर्स, इसका 186। मैथ्स का क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% सही होना चाहिए होगा। और यहाँ पे 100/3, यहाँ पे 30 डेज शुरू करके देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका 20 है आंसर। और बोरेक्स जो है सोडियम कार्बोनेट से बनता है, इसका फॉर्मूला ही Na2B4O7 से होता है, तो सोडियम का कंपाउंड से बनेगा। और सिनेबार क्या किसका हो रहा है, तो मरकरी का हो रहा है, मैंने गलती से यहाँ लेट लगा दिया था एग्जामिनेशन हॉल में, तो रिकॉल करने में या वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एज ए स्टूडेंट आप क्या फील करते हैं एग्जाम हॉल में, और टीचर लोग को तो ये सब याद रहता है और उन लोगों के हर सब्जेक्ट में अपना एक्सपर्टीज है, तो वो लोग बता सकते हैं, बट हम लोग एज ए स्टूडेंट ये डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। और मोस्ट ऑथेंटिक आंसर की दिया जा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद ये बनाया गया है। व्हाइट गोल्ड किसका किसका लगाया है, तो ये गोल्ड निकल ऑयल प्लेटियम का, मैंने इसका आंसर लगा नहीं पाया, मैं कंफ्यूजन में था बट मैंने सोचा नहीं था। तो
आपके साथ ऐसा हुआ तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन जो निकेल के प्रेजेंस में किया जाता है, और सुक्ट लाइम जो बन सिलेक्ट लाइम बनता है अगर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करके वाटर के साथ, तो इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रोजन एटम का कितना एटम भी रिलीज होता है तो फैक्चुअल याद नहीं था मुझे, बट आंसर लोग 47 पिकोमीटर बता रहे हैं और इसका आंसर 48 आएगा। ये मैथ मेरे एक गलत हुआ था ओनली, यहाँ पे 25 मिनट शोट करने के बाद आ जाएगा और कॉइन को लॉस प्रोबेबिलिटी में 3/8 आ जाएगा। यहाँ पे 4 मार्क्स आ जाएगा। ये तो ईजी क्वेश्चन में है। देखिए क्वेश्चन मैथ का कुछ ईजी था, साइंस का भी कुछ ईजी था, बायो सेक्शन थोड़ा सा टफ था और आपको हिस्ट्री और पॉलिटी और थोड़ा सा करेंट में मॉडरेट लेवल का थोड़ा सा क्वेश्चन आया हुआ था। इसका आंसर 60 है और इसका लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट वहाँ वार्षिक आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, 97 नंबर का आंसर जो है सी होना चाहिए आई थिंक, बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं डाउटफुल क्वेश्चन है, तो यूपीएससी का आंसर किया गया तो हम लोग वेरीफाई करेंगे या कोई और ऑथेंटिक से भी मिला सकते हैं। अगर आपको ऐसा पता तो कमेंट जरूर करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसाइल के बारे में बताना है, तो ब्रह्मोस एक ऐसा मिसाइल है जो क्रूज मिसाइल है, तो उनसे भी हो जाएगा। और हेलीकॉप्टर के बारे में बताना था, तो यहाँ पे केवल रुद्रा ही था जो एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल था, आंसर सी होगा। मैंने इसको सोचा ही था बट लगाया नहीं था, तो मेरा दो तीन जो सोचा वो कि नेगेटिव ना हो जाए और वो पॉजिटिव था, मैंने आंसर की मैं बवाल नहीं किया। आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट में जरूर बताएं। इंडिया गया था कोस्टल रडार सिस्टम टू मालदीव, जो फैक्चुअल करंट अफेयर था, तो आपको याद हो तो मान सकते हैं जो छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे इसका 2640 आंसर आएगा। मैं क्यू का फॉर्मूला मुझे पता था ऐसे निकलता है, बट स्क्वायर का पता नहीं था, मैंने पूरा स्क्वायर 10 तक की कर कैलकुलेट करके और निकाल लिया था। और इसका आंसर 19% होगा और इसका जो है आंसर 1:9 होगा। मैं ज़रूर सोल्व करें अपने दोस्तों, 10.5% इसका आंसर होगा और इसका 12.33 आंसर होगा। और इसका जो है फर्स्ट नंबर आंसर होगा इलोंगेटेड ट्रफ का जो है लो प्रेशर होता है और इसका जो है हाई प्रेशर होता है। उस तरह हम लोग 107 क्वेश्चन पे आते हैं बाउंड्री लेवल, तो इसमें दो कन्फ्यूजन है लोगों को, बट आई थिंक कि फॉरेस्ट लीटर होना चाहिए, बट कुछ लोग का फॉरेस्ट कॉनोपी भी है, इसको आप अगर जानते हो तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और कोई यहाँ पे 30 मार्क आने की सभी क्वेश्चन का आंसर जानता हो नहीं तो पूरा यूपीएससी के ही बोर्ड में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए यह जो सेलाइन हाई साइड कंसल्टेशन में रहता है, हेलो फाइल्स बोलते हैं हेलो, और व्हाट्सएप यहाँ पे एमएक्स एक्सेल होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड है। आईपी मॉडल में कौन नहीं होगा तो यह आंसर आईपी लोग बता रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया था कि आईपी मॉडल है तो आईपी होना चाहिए, बट ये यूपीएससी बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन सेट किया। यहाँ पर ट्रांजिशन आंसर होना चाहिए जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। और यहाँ पे यूकेरियोटिक्स और प्रोकेरियोटिक्स में बताना था, तो इसका आंसर आई थिंक लोग सी बता रहे हैं, बट इसमें भी कन्फ्यूजन है, तो इसे सी का ही मैक्सिमम चांस है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होना चाहिए और सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक प्लांट में ये बी आंसर मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है। और यहाँ पे जो है इंटरजेनिक आंसर ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। यहाँ पे मैग्नेशियम माइक्रो मैथा मैंने तो क्लोनी लगा दिया था। यहाँ पे क्रोकोडाइल के पास पोर्ट चैम्बर हार्ट होता है और यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, क्योंकि यहाँ सॉइल पे फिर आके गिर जा रहा है वो सीड, अगर सॉइल नहीं आता तो बॉडी आंसर हो जाता, तो यूपीएससी क्या आंसर मानता है उसको भी देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जाइफ्लोएम जो है फूड और जाइलम जो है जल ले जाता है, इस ट्रिक से हम लोग इसको शुरू कर लिए हैं। इसका 9KX पावर KY हो जाएगा। और यहाँ पे एलुमिनियम का यूज जो है कन्वेक्स लेंस बनाने में यूज नहीं होता है। और यहाँ पे स्केटिंग के कारण जो है स्काई का कलर ब्लू दिखाई देता है। और यहाँ पे जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कॉन्केव का पावर पूछा जाता है तो 1/2 तो होगा लेकिन नेगेटिव होगा, तो 0.5 डायोप्टर माइनस में आएगा। यहाँ पे प्रेशर का कौन मात्रक नहीं है तो जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बार होता है जूल पर मीटर स्क्वायर होता है और पास्कल होता है, तो एलिमिनेट करके बना सकते हैं दोस्तों। बहुत सारा क्वेश्चन एलिमिनेशन से ही बना है। और आपका एग्जाम कैसा हुआ, कितना अटैम्प्ट किया और कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। एंड इफ यू डोंट सब्सक्राइब द चैनल टिल नाउ, सब्सक्राइब द चैनल एंड यू विल गेट मोर कंटेंट रिलेटेड टू यूपीएससी एंड बीपीएससी एंड सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अपना इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अपने तरफ से किसी का ध्यान रखा गया ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया, अगर कोई गलती हो तो कमेंट में आप उसको कमेंट कर दें, उसको पिनअप किया जाएगा। सो थैंक्स अगेन।